हमारे समाज में यौन एवं प्रजनन संबंधी सभी बातों को बहुत छुपा के रखा जाता है। इसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि माना जाता है कि किशोरावस्था एक्सपेरिमेंट की एज होती है, इसके चलते प्रत्येक किशोर किशोरी किसी न किसी प्रकार के यौन संक्रमण से पीड़ित रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 20 अलग अलग शहरों के 15,000 बच्चे लिए गए, जिसमें 13 से 19 वर्ष के बच्चे सम्मिलित थे। इनका साक्षात्कार करने पर पता चला कि इनमें से 8.9 बच्चे कभी न कभी यौन संक्रमण से पीड़ित रहे हैं। इस शोध के अनुसार ये भी पता चला कि युवक 13 वर्ष की आयु में प्रजनन संबंधी कार्यों के लिए सक्रिय हो जाते हैं, वहीं युवतियां 14 वर्ष की आयु में सक्रिय होती हैं। तो क्यों ना हम इन्हें यौन संबंधी बातों की जानकारी उपहार स्वरूप दें। ये जानकारी इन्हें न मात्र इंटरनेट से उपलब्ध कराएं, बल्कि इसे एक विषय के रूप में प्रत्येक स्कूल कॉलेजों में शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से प्रत्येक विषय ये माना जाता है कि बच्चे के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं कारगर होगा, उसी तरीके से आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उन्हें उचित जानकारी होना भी जरूरी है। इससे न सिर्फ एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, बल्कि मेरा ये मानना है कि एक अपराध मुक्त समाज का भी निर्माण होगा।